मधुबनी जिला के बेनीपट्टी थाना अंतर्गत गांव महमदपुर हत्याकांड के खिलाफ महागठबंधन का 10 अप्रैल को मधुबनी बंद के आह्वान को लेकर राजद की बैठक नगर विधायक समीर कुमार महासेठ के गिलेसन स्थित आवास पर हुई। बैठक को संबोधित करते हुए नगर विधायक समीर महासेठ ने कहा कि महमदपुर हत्याकांड बिहार को शर्मसार कर दिया है। इस हत्याकांड के खिलाफ महागठबंधन का 10 अप्रैल को मधुबनी बंद रखी जाएगी। 9 अप्रैल को जिले में मशाल जुलूस निकाली जाएगी। महासेठ ने कहा कि राजद पीड़ित परिवार के साथ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीड़ित परिवार को राजद आर्थिक सहयोग किया गया है, लेकिन नीतीश सरकार चुप्पी साध रखी है। मृतकों के आश्रितों को मुआवजा और उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था सरकार द्वारा मुहैया कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 10 अप्रैल के शांतिपूर्ण बंदी में आवश्यक सेवाओं को मुक्त रखा जाएगा। बंदी में महागठबंधन के सभी साथी हमें समर्थन कर रहे हैं और सामाजिक तत्वों पर राजद कार्यकर्ता नज़र बनाए रखेंगे। विधायक समीर महासेठ ने लोगों से अपील की है कि शांतिपूर्ण बंदी में हमारा साथ जरूर दें। महमदपुर की घटना मधुबनी के लिए कलंक है। आगे इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए हम लोगों को ठोस निर्णय लेना होगा। रत्नेश्वर राय के संचालन में बैठक में राजद जिला प्रवक्ता इंद्रजीत राय, प्रखंड अध्यक्ष जिवक्ष यादव, गुणानंद यादव सहित तमाम लोग उपस्थित थे। बीटी न्यूज बिहार के लिए मधुबनी से पप्पू पूर्वे की रिपोर्ट। तैयारी का ही अगर प्रतिपक्ष के नेता अगर मधुबनी नहीं आते तो शायद सरकार द्वारा प्रायोजित जो उन्होंने कहा कि लोगों को जिस रूप से पूरे मधुबनी जिला को डरा करके और जिस ढंग से रावण सेना अपना आधिपत्य जमाना चाह रहे थे, ये कहीं न कहीं एक मानवी नहीं है। इस तरह से रक्त रंजित व्यवस्था यहाँ का नहीं रहा। ये सब हम लोग अखबारों में सुना करते थे, देखा करते थे कि गंगा के उस पार इस तरह की संस्कृति है। का परिवार, अच्छे लोग, मधुबनी जिला के सारे अच्छे अच्छे लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, और जो गंदे लोग हैं, जो रावण के रूप में है, उस गंदे का जो कहीं ना कहीं आगे राम को रख करके रावण के नाम से काम करते हैं, उनको कम से कम पटापेक्ष करके उनके मुंह पर से कि नहीं कालिक नहीं पोतना है, खाली पर्दा हटा के देख लेना है कि असली कौन है, ये पता चल जाना। असली नकली का कम से कम जो संज्ञान में हम लाने का आपको प्रयास कर रहे हैं, और कोई इससे कोई लाभ लेने का हमें कोई इच्छा नहीं है कि इससे मुझे कोई लाभ मिल जाएगा। लाभ मिलेगा तो एक एक व्यापारी को मिलेगा, एक एक किसान को मिलेगा, एक एक युवा वर्ग को मिलेगा। चूंकि हमारा तेजस्वी जी का अगला नारा होगा, जो नारा बार बार वो स्थापित कर रहे हैं, अब मधुबनी में शिक्षा और चिकित्सा पर सबसे पहले ध्यान देने की बात आदरणीय कि हमारे तेजस्वी जी ने कहा है, और इसके साथ ढेर सारा युवा वर्ग के लिए, महिला के लिए सब वो अपना अनाउंस करेंगे, और एक धारा के साथ चलने की आवश्यकता है। मेरा आग्रह है कि उस धारा को आप लें, और 10 तारीख को जो इतना बड़ा निशंस हत्या हुआ है, हम चाहेंगे कि उसको साथ देने के लिए कि अब पूर्व के भांति जो भी हिम्मत किया 2 महीना पहले, अगर कॉल रिकॉर्ड देखे, जो फलाना देखे, तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। लेकिन हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, ये तो पुलिसिया काम है, पुलिस करेगी, लेकिन एक जनता में अपेक्षा रखता है कि हमारा मधुबनी शांत रहे, हमारे लोग शांत रहे, हमारे व्यापारी भाई को अगर अपेक्षा है तो सड़क पर आकर के ऐसी चीजों में हमें मदद करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।